नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। गुरु नानक पब्लिक स्कूल की ओर से जागरूकता साइकिल रैली का किया गया आयोजन। पीटर के एसपी चिन्नबसवन्ना ने भाग लिया। पुणे में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और पिकअप वैन में जोरदार भिड़ंत, दो बच्चों समेत 8 की मौत। लगता है अडानी से नहीं हुई सेटलमेंट, राज ठाकरे का उद्धव ठाकरे पर तंज। भारत ने सबमरीन से दागी जाने वाली 3500 किलोमीटर रेंज के मिसाइल का किया परीक्षण। लोकसभा में हंगामे को लेकर सांसदों पर एक्शन, 33 सांसद किए गए सस्पेंड। अब समाचार विस्तार से। बीदर के एसपी चिन्नबसवन्ना ने सुरक्षा सुरक्षिता अभियान के तहत युवाओं में हेल्थ और सुरक्षा के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए साइकिल की सवारी करके लोगों और विशेष तौर पर युवाओं को स्वस्थ रहने और सुरक्षित रहने के लिए जागरूक कर रहे हैं। इस संबंध में आज सोमवार 18 दिसंबर को गुरु नानक पब्लिक स्कूल की ओर से जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस साइकिल रैली में बीदर के एसपी चिन्नबसवन्ना ने भाग लिया। इनके अलावा पवित सिंह, डॉक्टर कृष्णा और रोटरी क्लब के सदस्य और गुरु नानक स्कूल के स्टाफ शामिल रहे। यह साइकिल रैली एसपी क्वार्टर से शुरू हुई और कुंभरवाड़ी से होते हुए गुमगुंडेश्वर सर्कल, डीसी कार्यालय, गुदगे हॉस्पिटल से गुजरकर नेहरू स्टेडियम से होकर गुरु नानक पब्लिक स्कूल पर संपन्न हुई, जहां पर समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह का उद्घाटन एसपी चिन्नबसवन्ना और गुरु नानक शिक्षण संस्थान की वाइस चेयरपर्सन श्रीमती रेशमा कौर ने दिया जलाकर किया। इस अवसर पर एसपी चिन्नबसवन्ना और रेशमा कौर ने संबोधित किया। बाद में एसपी चिन्नबसवन्ना और रेशमा कौर ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस साइकिल रैली के संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। उन्होंने सपोर्ट किया कॉज के लिए और इसी सिलसिले में साइकिल ना चलाएं, उसके बदले में जो है बाइसिकल्स चलाएं करके एक मैसेज देने के लिए हमने एवरी मंडे एक स्कूल हम विजिट कर रहे हैं और बच्चों को अपील कर रहे हैं, क्योंकि इस ईयर दिस ईयर वी ऑलरेडी लॉस्ट 295 लाइव्स एंड अमंग दैट 16 आर चिल्ड्रन ऑफ माइनर एज। तो इसीलिए उनको एक मैसेज देने के लिए हम आज बाइसिकल्स पे जो हैं आके प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि बाइसिकल से आप फिट भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे, एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इस लॉ ऑफ द लैंड जो है उसको वायलेट नहीं कर सकते, वायलेट भी नहीं होगा। तो इस सिलसिले में हमने एक काम शुरू किया है। इसमें आज हमने गुरु नानक पब्लिक स्कूल विज़िट किया था, तो गुरु नानक पब्लिक स्कूल के ऑल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेसिडेंट, प्रिंसिपल, उनको बीदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस और हमारे रोटरी क्लब जो है बीदर का, उनकी तरफ से मैं धन्यवाद भी बोलना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने ये अच्छा, बहुत सारा अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया हमारे लिए। एंड होप आवर मैसेज विल गो इन टू द माइंड्स ऑफ द चिल्ड्रन and they will be future law-abiding citizens of this district, this nation. Thank you. मैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी सर और एसपी सर को मुबारकबाद देती हूँ, जो उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है ये अवेयरनेस क्रिएट करने का आम पब्लिक में और स्पेशली बच्चों में, कि कितना ज़रूरी है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करें और अपने फिज़िकल फिटनेस के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल के बच्चों में ये एक स्टेटस सिंबल हो गया है कि वो मोटरसाइकिल्स पे ही चलें और साइकिल नहीं चलाएं। तो ये अवेयरनेस जो उन्होंने क्रिएट किया है कि हर मंडे वो अपने ऑफिस और एक स्कूल विज़िट कर रहे हैं साइकिल पर, ये बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि ये आसान नहीं है हर रोज़ ये काम करने का, मतलब ये साइकिल पे हर मंडे एक काफ़ी इसके लिए एक कोशिश करनी पड़ती है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये बच्चों में आई एम श्योर एक अच्छा इम्पैक्ट रहेगा और बच्चों को समझ में आएगा कि अपनी सिक्योरिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है हेलमेट यूज़ करने के लिए और मोटरसाइकिल से अवेयर रहने के लिए, स्पेशली जब तक वो 18 ईयर्स के ना हो। और ये मैसेज अपने उनके पेरेंट्स को भी जाएगा कि इनके बच्चों को मोटरसाइकिल्स ना दे, क्योंकि ये सबसे बड़ी
जिम्मेदारी पेरेंट्स की है कि वो अपने बच्चों को मोटरसाइकिल्स ना दे और साइकिल पे भेजे स्कूल को और उनको प्रोटेक्ट करे, अपने हेलमेट के साथ भेजे। थैंक यू। बीदर से औरत जाने वाली सड़क पर काफी दूर तक डिवाइडर पर काफी दूर बैरिकेड्स लगाने के कारण वाहनों को यू टर्न लेने के लिए काफी कठिनाई हो रही है। इस सड़क से बहुत सारे वाहन गुजरते हैं। KSRTC बसेस, स्कूल बसेस, एम्बुलेंस और दूसरे वाहनों को टर्न लेने के लिए काफी दूर तक जाना पड़ रहा है। इसके अलावा यहां पर इस्लामपुर, यडनली और भालके जाने वाली सड़क पर तो काफी कठिनाई हो रही है। वाहनों को यू टर्न लेने के लिए इस संबंध में राजकुमार पांडु जमादर ने मीडिया से बात करते हुए इस डिवाइडर के ऊपर लगाए गए बैरिकेड्स का कुछ हिस्सा हटाकर वाहनों को यू टर्न लेने के लिए सुविधा देने की अपील की है। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ये रोड का समस्या है, इधर से बस भी आते और KSRTC बस भी चलते, स्कूल के बस भी चलते, हम लोगों को जाने आने को भी तकलीफ होता है। यहाँ से उधर से जाना बोले तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है, बहुत गाड़ी घुमाने को नहीं आ रहा, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ये गेट खोले तो सबको सहूलत होता है, अच्छी बात है। इसलिए मैं सभी अधिकारियों को इसके लिए गुजारिश करता हूँ कि ये गेट ओपन करके हमारे को रास्ता दिए, तो बहुत भारी होता है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। उधर से आना, इधर से आना, गाड़ियाँ ठहरे, रोड खुली नहीं है। इधर से ये गेट खोले तो सीधा सरल रास्ता होता है, सबको सहूलत होती है। इससे गांव को भी है, स्कूल का है, उधर आगे भी भालकी जाती है, यहाँ से बस भी फिरने बहुत तकलीफ जा रहे हैं। यहाँ से खोलने की इससे पहले कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ क्या? एक्सीडेंट हो गए यहाँ पर। हाँ, वहाँ से आओ बोल रहे ना सर, उधर वहाँ से आने को पूरा इधर का रोड पूरा ब्लैक रह रहा है। पूरा गाड़ियाँ ठहरा करके इधर से गाड़ियाँ हमारे को भी नहीं आने आ रहा है। यहाँ से जाके टर्न करना पड़ रहा है, तो आगे जाके आना पड़ रहा है हमारे को। इधर से आना बोले तो पूरा गाड़ियाँ जाम होके रोड जाम कर दे रहे। सर्विस रोड खुला नहीं है। सर्विस रोड खुला रहे तो सबको ईजी हो जाता है, वो भी खुला नहीं है। इधर आगे इस्लामपुर, यरनाली, बम्पली, भालकी, चंदापुर, भालकी जाती है बस। यहाँ से ये बीदर औराद रोड है बड़ा। आपका नाम बोलिए। राजकुमार पांडे जनोड़ा। रविवार को अहमदाबाद में विधायक डॉक्टर सिद्धलिंगप्पा पाटिल ने पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MLC भीमराव पाटिल के आरोप का जवाब दिया। इस अवसर पर सुभाष कल्लूर अध्यक्ष, PSS के हलिकेट सोमनाथ पाटिल, प्रभाकर नागराले, पद्माकर पाटिल और पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। अहमदाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता मोहिउद्दीन लाठोड़ी की रिपोर्ट। ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆದರೆ ತಾವು ನೋಡಿದಾಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಇವತ್ತು MLC ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾತಾಡೋದಾಗ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾವ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಯಭೀತರ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್. ಮತ್ತು ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ, ನಮ್ಮದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ, ಇದು ರಾಜಕೀಯದ್ದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯದ್ದು ಇದು ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ತಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯದ್ದು ಈಗ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ, ನಾವು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ, ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇವತ್ತು ಇದು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ, ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳಿರ್ತಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಇನ್ನು ಉಂಟದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು, ಅದು ನಿಮಗಿದ್ದಿರಬೇಕು, ಅದು ನಂಬಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಯಾರೂ ಕಲಿಸಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ದಾರಿ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಗುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಮ್ಯಾಗ ಏನರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಜಿ ಸರ್ ಒಂದೇ ಅವರಿಗೇನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಾಪ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಗುಳು ಕಳ್ಕೊತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಗ್ಯದ ಇವ್ರ ಕಾಲ. ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದಿಲ್ಲ ಹರಡೊಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋದ್ವಿ, ನೀ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದು, ಇವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಜನರು ನನಗೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ನನಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ತಾವು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ತಾವು ಇನ್ನೊಂದು BSSK ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ,
ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷ ಹಿರಿಯರು 20 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರು 11 ವರ್ಷ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಇದ್ದರು 15 ವರ್ಷ ವೀರಣ್ಣ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು 5 ವರ್ಷ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣತಮ್ಮರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರನ ಗೊತ್ತ ಹಾಕಿ ನಾ ಏನೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣೂರು ಸಾಹೇಬ್ ನಾವು ಬೊಮ್ಮಾಯಿರುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೈತರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿರೋಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 22ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವತ್ತು ಇವರಿಬ್ಬರೇ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಾಗ್ಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಸಿ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಪಾಪ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ಸರ್ ಈ ಥರ ಎಮ್ ಎನ್ ಸಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗೋದಿದೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಈಗ ಮುಂದ್ಬರ್ತಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಫಿಯಾ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ತೆಗಿತೀನಿ ಬೈರಾಮ ತೆಗಿತೀನಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾವುದು ಎದುರುದು ಬಗ್ಗೋದು ಅಂತ ಅಂಜ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಅನಿಸಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಜನತೆ ಒಂದು ಏನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಯಾರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂಜಲನೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗೋವಿಂದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋವಿಂದ್ ಅವ್ರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಾದಂಥ ಪದ್ಮಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಲೆಟರ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ರು ಅದು ಕುರಿತು ಏನು ಈಗ ಅವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಗೋತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಯಾರಿಗೆ ತಗೋತಾರ ಅದಕ್ಕೇನು ಇದೆ ಇವತ್ತು ಆತ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಗೋವಿಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರ ಪಶು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರ ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಪಶು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ಕುಂಡಿಸಲಿ ಸಲಹಾ ಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂದು ಜೆ ಜೆ ಮಾರ್ಕ್ ದುಗ್ಗುಗುಂಡಿ ಮತ್ತು ಘಾಟ್ ಬರೋಣ ಇವತ್ತು ಆ ಎಡಬ್ಲಿ ಪಾಪ ಅವಾಗೆ ನನಗೂ ಹೇಳಿದರು ಅವರಿಗೂ ಹೇಳಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 22ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವತ್ತು ಇವರಿಬ್ಬರೇ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಾಗ್ಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಸಿ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಪಾಪ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ಸರ್ ಈ ಥರ ಎಮ್ ಎನ್ ಸಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗೋದಿದೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ तेलंगाना के कुतबुल्लापुर सर्वे नंबर 342, 307, 329 राजस्व विभाग आरटीओ और कुतबुल्लापुर जीएचएमसी एमआरओ ने सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा के जरिए मकानों को राजस्व विभाग ने 350 मकानों को पुलिस की उपस्थिति में तोड़ दिया गया लेकिन यहां के लोगों का ये कहना है कि सरकार का गरीब जनता को परेशान करना कहां तक सही है जमीन हड़पने वालों को मुआवजा दिया जाता है और गरीबों को परेशान किया जाता है इन लोगों ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से इस पर फौरन एक्शन लेने और गरीब जनता को इंसाफ दिलाने की अपील की गई। स्थानीय लोगों ने केपी न्यूज को अपनी परेशानी बताई कुतबुल्लापुर तेलंगाना से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट పిల్లల తల్లులు పసి పిల్లల్ని వేసుకొని ఉంటున్నామే ఉంటున్నా కూడా కనికరించట్లేదు పోలీసులకి ఏం కొడుతున్నారు పిల్లలు ఆడపిల్లలు కూడా కొడుతున్నారు ఆడపిల్లలను చూడకుండా పోలీసులు కొడుతున్నారు ఇది న్యాయమేనా మేము ఎలా బతకాలి నాయి రెప్ప కొట్టుకొని బతుకుతున్నామే పావుల పాల కూడు పెట్టుకొని ఈ రకంగా కొట్టుకుంటే అవి పూల కొట్టారు తింటానికి కూడా లేకుండా చేశారే ఎట్టు బతకాలి మేము ఆ ప్రశ్న చెప్పుకున్న పిల్లలు కూడా దొబ్బేస్తున్నారు పగిలిపోయి చచ్చిపోతే ఎవరికి నాది కడుపు పోయిద్దా ఎవరు కడుపు అన్న బాధ్యత నా పిల్ల తల్లాడుతుంది ఏంటి పరిస్థితి పిల్లలు పెట్టుకొని ఉంటే ముగ్గురు ఆడపిల్లలు మా పిల్లలు లాటితో కొట్టిరు మా తుప్పలు పట్టి బయటికి గుంజేసి మొత్తం సామాన్ పోలీసు వాళ్ళే సామాన్ వండుకొని తిన్న బియ్యం కాడికెళ్ళి నూనె డబ్బులు కాడికెళ్ళి బట్టలు మొత్తం అన్ని మొత్తం అన్ననే పెట్టేసిరు నేను సామాన్ ఇస్తావా సామాన్ గిట్ట బయటికి ఇయ్యలేరు గుంజుకొచ్చి బయటికి వేసి అన్ని నాశనం చేసిరు మళ్ళీ ఒక్క మాకు పండుకునే బట్టలు కూడా తీసుకుంటాం అంటే అవి కూడా తీసుకొని ఇయ్యలేరు మా పిల్లలు కొట్టిరు నన్ను తుప్పలు పట్టుకుంచు మా ఇంకో పిల్లవాడు కింద ఆయన పిల్లని తీసుకొస్తే లాడుతాను కొడితే పిల్లని కాలింత రామాచింది
చిన్నపిల్లలు పాడుకున్న పిల్లలు బయటికి ఈడ్చిపడేసారు వాళ్ళు. కనికరంగానే చూపెట్టలేరు ఎవరికి, ఆడపిల్లలు ఉండరాన్న కూడా ఈడ్చిపెట్టలేరు మమ్మల్ని. బయటికి గుంజి బయటికి గుంజి మళ్ళీ మళ్ళీ అట్లే వేసారు. ప్రతి ఒక్కరిని టాడర్ టాడర్ అంటే పెడితే టాడర్ మొత్తం పైన మూడు సార్లు పల్టీలు వేసారు చేసి పైన పోలీసులు కలిసి అన్ని తుక్కు తుక్కు వేసిరు. ఏ సామాన్ లేవు, వండుకొని తిందామన్నా కానీ ఒక గిన్నె లేదు మాకు. అన్ని నచ్చి చేసిరు మాకు. న్యాయం జరగారే రేవంత్ రెడ్డి కాడికి వెళ్ళమంటే వెళ్తాం, సీఎం కాడికి వెళ్ళమని వెళ్తాం మేము. వాళ్ళు ఎవ్వరు మాట్లాడతారు వాళ్ళందరి కాడికి మేము వెళ్ళమని వెళ్తాం. మాకు న్యాయం జరగాలి మా వడ్రోలకు. ప్రతి ఒక్కసారి మా వడ్రోల వినే ఉంది ఇదంతా. ఇప్పటికి నాలుగు సార్లు మా వడ్రోల రూములు కట్టినా గుల కొడుతురు, గుడిసెలు వచ్చినా గుల కొడుతురు. అన్ని కరెంటు స్తంభాలు ఉన్నాయని వయ్యులతో చంపేసిరు. పిల్లలకి ఒక్కరికి ఎవరికైనా షార్ట్ వస్తే చచ్చిపోతే అప్పుడు ఒక ఆయన చంపేసిరు. ఇప్పుడు ఎంతమందిని చంపుదామని వచ్చిర్రు మొత్తం పోలీసులు. ఈ ప్రభుత్వానికి కావాల్సింది ఓట్లే, ఈ ప్రభుత్వానికి కావాల్సింది ఓట్లే. महाराष्ट्र के पुणे में भीषण सड़क हादसा हो गया है. दरअसल नगर कल्याण हाईवे पर रविवार देर रात भयानक दुर्घटना हुई जिसमें 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. यहां एक पिकअप वैन और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह हादसा डिंडोर के पास हुआ है. पिकअप वैन ओतुर जिले के करीब कल्याण की तरफ जा रही थी, तभी उसके ट्रक में भयानक टक्कर हो गई और 8 लोगों को जान गंवानी पड़ी. बता दें कि ये दुर्घटना बीती रात की है. पुणे के सड़क हादसे में 5 पुरुषों, 1 महिला और 2 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई है. डिंडोरे में हुई दुर्घटना के बारे में जानकारी मिलने के बाद ओतुर पुलिस स्टेशन से सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोकल लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद. 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर. देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में. महाराष्ट्र में धारवी के पुनर्विकास को लेकर राजनीति जारी है. इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है. राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे द्वारा धारवी के विकास पर अडानी के खिलाफ मोर्चा निकालने पर बयान दिया है. राज ठाकरे ने कहा कि लगता है अडानी से इनकी सेटलमेंट नहीं हुई. राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा सभी प्रोजेक्ट अडानी को ही क्यों दिए जा रहे हैं, पोर्ट और एयरपोर्ट सभी अडानी के हैं. प्रोजेक्ट करीब 8 महीने पहले अडानी को दिया गया, लेकिन महाविकास आघाड़ी ने अभी क्यों मोर्चा निकाला. लगता है अडानी के साथ इनकी सेटलमेंट नहीं हुई. अपनी मिसाइल क्षमता को लगातार धार देने में लगे भारत को एक और सफलता मिली है. सूत्रों के मुताबिक भारत ने सबमरीन से दागी जाने वाली 3,500 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल का दूसरा परीक्षण किया है. इससे पहले यह परीक्षण जनवरी में भी किया गया था, लेकिन इस परीक्षण के बाद माना जाता है कि मिसाइल उत्पादन के लिए तैयार है. के सीरीज की ये मिसाइलें भारत के पलटवार करने की ताकत को बढ़ाएंगी, न्यूक्लियर त्रिशूल यानी ट्राइड को पूरा करेंगी. भारत पहले के सीरीज की K-15 या सागरिका को 2018 में तैयार करके भारत की पहली स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत में लगाया जा चुका है. K-2 इस सीरीज की दूसरी मिसाइल है जिसकी रेंज 3,500 किलोमीटर तक है. सूत्रों के मुताबिक K-2 का पिछले हफ्ते दूसरा सफल परीक्षण किया गया है, जिसके बाद ये मिसाइल उत्पादन के लिए तैयार मानी जा रही है. जहर दिए जाने की खबर के बाद मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम सुर्खियों में है. रिपोर्ट्स में बताया गया कि पाकिस्तान के कराची के एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और हालात बहुत नाजुक है. सालों से भारत के खुफिया एजेंसियों की आंखों में धूल झोंके रहे दाऊद की 2 बीवियां हैं. दाऊद ने इसी साल जनवरी महीने में पाकिस्तान की पठान महिला से दूसरी शादी की थी. यह खुलासा भारत के नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA से दाऊद के भांजे और हसीना पारकर के बेटे अली शाह पारकर ने किया था. अली शाह ने बताया कि दाऊद की पहली बीवी महजबीन व्हाट्सएप पर सबके साथ कांटेक्ट में है. अली शाह इब्राहिम ने यह भी बताया था
कि जो दाऊद इब्राहिम कहता है उसने दूसरी शादी करने के लिए अपनी पहली बीवी से तलाक ले लिया है। ये सभी दावे झूठे हैं। अली शाह ने यह भी बताया था कि दाऊद इब्राहिम अब कराची में रहने लगा है और उसको नहीं पता है अब्दुल्ला गाजी बाबा दरगाह के पीछे रहीम फाकी के पास डिफेंस एरिया। लोकसभा में हंगामे को लेकर 33 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड किए गए सांसदों में सांसद और लोकसभा में कांग्रेस सांसद के दल के नेता अधीर रंजन चौधरी भी शामिल है। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर सोमवार को विपक्षी दलों ने लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा किया, जिसके कारण लोकसभा स्पीकर ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी समेत 33 सांसदों को लोकसभा के शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया। पिछले हफ्ते 13 सांसदों को लोकसभा से सस्पेंड किया गया था। लोकसभा में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक सहित विभिन्न दलों के कई सदस्यों को संसद के शेष सत्र के लिए निलंबित किए जाने के बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा सांसदों को क्यों निलंबित किया गया, इस पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि विपक्षी सांसद पिछले 4 दिनों से लगातार लोकसभा में जल कल्याण से जुड़े विधायक को रोकने की कोशिश कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, इसीलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ी है। विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने हिंदुओं को नसीहत दी है कि वो हलाल मीट खाना छोड़ दें और सिर्फ झटका मीट ही खाएं। उन्होंने वीडियो में मुसलमानों की तारीफ भी की है, लेकिन उनके इस बयान पर बिहार में सियासत शुरू हो गई। हलाल और झटके पर विवाद तेज हो गया। बेगूसराय में समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही है। बॉलीवुड की मस्त मस्त गर्ल रवीना टंडन एक बार फिर दमदार अंदाज में ओटीटी पर जलवा बिखेरने जा रही है। एक्टर्स की मच अवेटेड अपकमिंग वेब सीरीज कर्मा कॉलिंग का टीजर रिलीज हो चुका है। इस दमदार टीजर में रवीना टंडन पहले कभी न देखे गए एकदम अलग अंदाज में नजर आने वाली है। टीजर में उन्होंने अपने बॉस लेडी लुक से दर्शकों को हैरान कर दिया है। रिलीज होते ही कर्मा कॉलिंग का टीजर सोशल मीडिया पर छा गया है। रवीना टंडन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वेब सीरीज का टीजर शेयर कर इसके रिलीज डेट का ऐलान भी कर दिया है। टीजर शेयर करते हुए रवीना लिखती है, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, कर्मों को आने दो, मैं संभालूंगी। वेब सीरीज कर्म कॉलिंग की पहली झलक देखते हुए अंदाज लगाया जा सकता है कि इसमें मस्त मस्त गर्ल एकदम दमदार किरदार निभाने वाली है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। गुरु नानक पब्लिक स्कूल की ओर से जागरूकता साइकिल रैली का किया गया आयोजन, पीटर के एसपी चिन्मयसिन्हा ने भाग लिया। पुणे में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और पिकअप वैन में जोरदार भिड़ंत, दो बच्चों समेत 8 की मौत। लगता है अडानी से नहीं हुई सेटलमेंट, राज ठाकरे का उद्धव ठाकरे पर तंज। भारत ने सबमरीन से दागी जाने वाली 3,500 किलोमीटर रेंज के मिसाइल का किया परीक्षण। लोकसभा में हंगामे को लेकर सांसदों पर एक्शन, 33 सांसद किए गए सस्पेंड। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।